साथियों, क्या अपने आप को व्यवस्थित रखना, अपने शरीर को सुंदर दिखाने का प्रयास करना, व्यवस्थित और शुभता दिखाने का प्रयास करना गलत है या सही है, ये मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं। फिर इस पर एक बहुत ही रोचक घटना आप सभी में शेयर करूंगा। तब तक आप भी अपना मन जो है वो व्यवस्थित रूप से बना लीजिए कि आप किसके पक्ष में हैं, क्योंकि खासतौर पर समाज के बड़े हिस्से में आज भी ऐसा मान लिया जाता है कि ये देखो अननेसेसरी अपने आप को सुंदर दिखाने का, अपने आप को व्यवस्थित दिखाने का प्रयास कर रहा है। क्या जरूरत है? जैसा आपने ईश्वर ने आपको बनाया है, जैसी आपकी आयु है, वैसा ही आपको नजर आना चाहिए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आज के 14 नवंबर 2022 के इस राशिफल में। कैसे इस दिन को हम व्यवस्थित बना सकते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उसको भी हम शामिल करेंगे बीच में। और बेहद ही खास विषय पर चर्चा चल रही है कि किस लग्न में शादी की जो उम्र तय की गई है समाज के द्वारा, वो बीत जाने के बावजूद भी विवाह संपन्न नहीं हो पाता। आज बारी कर्क लग्न की है, तो कर्क लग्न पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही एक उपाय भी आपको बतलाएंगे जिससे कि आपका जो विवाह है वो अति शीघ्र संपन्न हो पाए। तो साथियों, बात कर रहे थे हम अपने आप को व्यवस्थित दिखाने की, सज संवर कर थोड़ा सा जो वर्ड है वो ज्यादा वो हो गया, व्यवस्थित शब्द ज्यादा उचित है। तो हुआ यूं कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों में परम मित्रता थी, ये बात जग जाहिर है। और रोजाना संध्या काल में दोनों इवनिंग वॉक के लिए भी जाते थे। तो एक दिन महात्मा गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर के पास में पहुंचे और बोले कि चलो समय हो गया है संध्या काल का, तो घूम करके आते हैं, वॉक करके आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको कहा कि आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी गया और अभी वापस आया। और अंदर जाकर के वो अपने बाल संवारने लगे, अपने सिर के दाढ़ी के बाल जो संवारने लगे। इधर 2 मिनट का कहकर के गए थे, परंतु 3, 4, 5, 10, 15 मिनट बीत गए। और महात्मा गांधी जी, आपको पता ही है कि समय की कद्र करने वाले, एक एक सेकंड की कीमत रखने वाले व्यक्ति थे। तो जब उनकी बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो उन्होंने खिड़की से झांक करके देखा कि इतना समय आखिर क्यों लग रहा है। तो उन्होंने देखा अंदर, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो आदम कद का शीशा होता है उसके सामने खड़े हैं, अपने बाल संवारे जा रहे हैं दाढ़ी के और उसके। उन्होंने पूछा कि भाई अब तुम बूढ़े हो चुके हो, पूरी दुनिया को पता है अब बाल संवारने से कुछ होने वाला नहीं है, क्यों इतना समय तुम व्यतीत कर रहे हो, कोई इससे मतलब नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको बहुत ही सौम्यता के साथ में, अपनी जो स्पष्टता थी उसके साथ में ये बात कही कि जब तक मैं जवान था, स्वतः ही खूबसूरत था, किसी प्रकार के मुझे सजने संवरने की आवश्यकता ही नहीं थी, परंतु अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अगर मैं अव्यवस्थित बालों के साथ में बाहर जाऊंगा, मुझे लोग देखेंगे, अपने मिलने वाले या अनजान ही सही, तो मेरी कुरूपता के कारण किसी को कष्ट पहुंचे, किसी को कुछ नुकसान हो, किसी की आंखों में मैं खटकूं, ऐसा मैं बर्दाश्त नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अतिरिक्त समय अपने आप को संवारने के लिए देता हूं। अब बात यह है मुद्दे की कि यदि, क्योंकि आपका ये जो शरीर है इसी में आत्मा निवास करती है, ईश्वर का भी इसी में निवास है ये कहा गया है, तो व्यवस्थित तो दिखने से अपनी आंतरिक या बाहरी सौंदर्य को बरकरार रखने के लिए यदि छोटे बड़े कुछ उपक्रम कर लिए जाएं, तो इससे शुभता ही बढ़ती है, किसी प्रकार की इसमें कोई नकारात्मक बात नहीं है और किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी गलत बिंदु भी नहीं है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं
और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों बात कर लेते हैं 14 नवंबर की। 14 नवंबर इसलिए भी खास है कि आज बाल दिवस मनाया जाएगा और ये हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है उस उपलक्ष में मनाया जाता है। वार सोमवार है और हिंदी मास जो है वो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी अर्थात छठी जो है वो तिथि है। यदि कोई शुभ कार्य आप करना चाहते हैं, महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ही वजनदार कोई कार्य है आपकी दृष्टि में, तो आपको चाहिए कि आप अभिजीत मुहूर्त जो कि 11:43 43 मिनट से लेकर के 12:26 के बीच में रहेगा, इस बीच में आप कभी भी उसकी शुरुआत कर सकते हैं। किस समय आपको शुभ कार्य टालने चाहिए, तो यहाँ पर दो समय आप नोट डाउन कर लीजिए। एक तो दोपहर के ही 12:26 से लेकर के दोपहर के 1:09 का समय, और दूसरा जो है वो राहुकाल का समय है वो सुबह 8:03 से करके 9:23 तक का ये समय जो है ये रहेगा, तो खास आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों बिना किसी देरी किए पहली राशि मेष राशि से आज के जो राशि फल है उस चक्र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही सुखद बिंदु मेष राशि के जातकों के लिए आज उनको प्रातःकाल, जो प्रातःकाल की शुरुआत है, दिन की शुरुआत है, वो एक शुभ समाचार से होगी और वो आपके अंतस तक आपको आनंद से भर देगी। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। आज आपको दिन भर ही खास होने का एहसास मिलेगा, चाहे आपका कार्यस्थल हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, मित्र मंडली हो, हमेशा हर स्थान पर आज आपको खास, वो कहते हैं ना वीआईपी वाला एहसास, वो जरूर होगा। सरकारी कार्य कोई आज आप करने की सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता सुनिश्चित तौर पर मिलेगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जो जातक सरकारी पद पर हैं, दिन भर उनका कार्य सरकारी कागजों से रहता है, तो उनको सतर्कता पूर्वक पूरे कागज को पढ़ करके तत्पश्चात हस्ताक्षर करने चाहिए, नहीं तो वो बड़े किसी लीगल झमेले में पड़ सकते हैं। विद्यार्थी जो खास तौर पर कॉलेज यूनिवर्सिटी के हैं, वो प्रेम प्रसंगों में आज उनको आगे सफलता मिलेगी। कई समय से जिस पल का वो इंतजार कर रहे थे वो पल आज उनको जरूर मिलेगा। और साथ ही जो वर्किंग वूमन है उनके दायित्व में, उनकी जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं वृद्धि आज स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। साथियों मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के, खास तौर पर उनके जो अभी मौसमी बीमारियां चल रही हो उसको लेकर के थोड़ी सी चिंता हो सकती है। आप किसी से मदद की अपेक्षा कर रहे थे, वो मदद भी आपको भरपूर मिलेगी और ये जो मदद है ये आपको सुकून का एहसास जरूर कराएगी। हालांकि दिन भर आज जो यदि आप लिस्ट बनाते हैं खर्चों की, तो उसको देख करके हो सकता है कि आपके होश फाख्ता हो जाए, क्योंकि आज बहुत अधिक आपका खर्च होने वाला है। साथियों कर्क राशि के जो जातक हैं उनको विदेश स्थित किसी कार्य के चलते एक सुखद समाचार मिल सकता है, चाहे फिर वो व्यापार से संबंधित हो या नौकरी से संबंधित हो या पर्सनल अपनी रिश्तेदारी से ही संबंधित क्यों ना हो। दिन भर कार्य में आपका मन वैसा नहीं लगेगा जैसा कि लगना चाहिए, जैसा कि एक वर्कोहोलिक का होता है, तो दिन भर मन में जो है वो कल्पनाओं की उड़ानें चलती रहेगी। हाँ गाड़ी से संबंधित आपकी जो गाड़ी है उसको कहीं ना कहीं आपको आज सर्विसिंग या उसकी मरम्मत का कार्य करवाना पड़ सकता है। और आज पहला जो कमेंट है ये हमारे नियमित तो और बहुत ही सम्मानित तो दर्शक हैं, थोराट दीप्ति जी हैं, आपने लिखा है हर हर महादेव। दीप्ति जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और कमेंट कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, कई लोगों को ये शिकायत होती है कि ये छोटा सा कमेंट क्यों शामिल किया, भावनाएं अधिक महत्वपूर्ण है आप लोगों की। साथियों आगे बढ़ते हैं और बात सिंह राशि की करते हैं। सिंह राशि के लिए भी दिन ढेर सारी खुशियां लेकर के आने वाला है। आपकी जो मेहनत है जो इतने लंबे समय से आप कर रहे हैं, तो दिन की शुरुआत ही आपकी सराहना किए जाने से होगी। वो कोई फोन कॉल हो सकता है, और जैसे कि बात है कि जब भी कोई हमारी सराहना करता है तो हम गदगद हो जाते हैं, तो इस सफलता के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं अग्रिम ही मैं प्रेषित करता हूं।
और इसके साथ ही जो संस्था है जिसमें आप कार्य करते हैं वहां पर भी आज आपको सम्मानित किया जा सकता है। खास होने का एहसास आज आपको वहां पर भी होगा। कागजी कार्यवाही करने में, खासतौर पर चाहे आप सरकारी कार्यालय में जा रहे हैं किसी कार्य के लिए, या आप स्वयं ऐसे किसी पद पर विराजमान हैं जहां पर कागजी कार्यवाही अधिक होती है, तो आज अतिरिक्त सावधानी आपको बरतनी चाहिए। कन्या राशि के जो जातक हैं, धन को लेकर के किसी प्रकार का विवाद आज जरूर होगा और वो विवाद थोड़ा सा लंबा खींच सकता है। किसी रिलेशनशिप पर भी आपके धन को लेकर के आंच आ सकती है, रिश्ता जो है वो खराब हो सकता है। आज के दिन का सूत्र यदि आप याद रखना चाहें तो आपके पास में किसी चीज़ की उपलब्धता नहीं है, क्योंकि आप कई बार ऐसा करते हैं कि आपके पास कोई मित्र आया, रिश्तेदार आया, कोई मिलने वाला, तो आप अपना नुकसान करके भी उसकी मदद करने को तैयार रहते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। जो आपके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं कार्यस्थल पर, उसको अब बर्दाश्त करना एक प्रकार से बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जा सकता। कहते हैं ना कि हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, तो अब आपको अपना मोर्चा उठा लेना चाहिए, अपना पक्ष जो है वो रखना चाहिए। तुला राशि के जो जातक हैं, उच्च शिक्षा में जो कार्यरत हैं या ऐसे विद्यार्थी हैं, तो उनको अपनी एकेडमिक एजुकेशन को लेकर के या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को लेकर के बहुत अच्छी सुखद खबर आज जरूर मिलेगी। कोई एक ऐसा कार्य जो आपको अपनी किसी पहुंच के द्वारा कराना पड़ेगा, किसी बड़े व्यक्ति की आप फोन कॉल उसको कहिए या जिसको हम जैक कहते हैं, तो वो लगा करके ही सही आज आपका कार्य जरूर होगा। और यात्रा पर यदि आज आप निकलते हैं तो ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ यात्रा और सफलतम यात्रा साबित होगी। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, वो आज अपनी संतान, अपने बच्चों को लेकर के, उनके स्वास्थ्य, उनकी पढ़ाई, उनके करियर, उनके व्यवहार को लेकर के दिन भर तनाव में रहेंगे। छोटी बड़ी जो नोक झोंक है वो भी हो सकती है। समर्पण का जो भाव है वो आपका कहीं ना कहीं कम हो रहा है, ये आज देखने में आ रहा है। संकोच बिल्कुल भी ना करें, जो आपके दिल में बात है वो बिना शर्माए आपको कह देनी। आज का जो सूत्र है बड़ा खास, यही मैं आपको देना चाहता हूं। तो साथियों, बढ़ते हैं दूसरे कमेंट की तरफ। और आज का जो दूसरा कमेंट है ये अनिता इस आईडी से आया है, और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही सटीक उत्तर दिया है। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, शुक्रदेव इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सिलसिला राशिफल का आगे बढ़ाते हैं साथियों, और बात करते हैं धनु राशि की। यदि आज किसी प्रकार का कोर्ट का आपका कार्य है, विवाद का कोई कार्य है, तो आज आपकी विजय उसमें सुनिश्चित है। बचपन के किसी दोस्त से भी आपकी आज भेंट होगी। अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर के अतिरिक्त सावधानी आपको बरतनी चाहिए, उनके साथ समय जरूर आज आपको बिताना चाहिए। मकर राशि के जो जातक हैं, उनकी आज यात्रा शुरुआत हो सकती है। यात्रा उनके लिए सकारात्मक रहेगी, लाभदायक रहेगी, और इनके स्वास्थ्य के लिए भी आज की जो यात्रा है ये सुखद रहेगी। घर को खरीदने की बात यदि आपकी चल रही है तो वो आज पक्की हो सकती है। आपको कोई घर पसंद आ सकता है, डील जो है उस पर मोहर लग सकती है। किसी पर भी आवश्यकता से अधिक भरोसा बिल्कुल भी आज आपको नहीं करना चाहिए। कुंभ राशि के जो जातक हैं, उनके अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से आज मतभेद हो सकते हैं, और बात की सुई जो है वो किसी ऐसे मुद्दे पर आकर के कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हैं, ऐसी अवस्था आज उत्पन्न हो सकती है। अपने पिता से भी आपके मतभेद हो सकते हैं धन की व्यवस्था को लेकर के। हालांकि आज एक आकस्मिक धन भी आपके प्राप्त होने का पूरा आसार है। मीन राशि के जो जातक हैं, वो किसी बड़ी छोटी सी बात का बतंगड़ आज बना सकते हैं, तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि अपने क्रोध पर, अपनी झुंझलाहट पर आप कंट्रोल करिए। छोटी बात को जितना छोटी और सतही स्तर पर खत्म कर सके उतना अच्छा होता है। मना करने में आपको भी आज लाभ है। यदि आप मना कर देते हैं तो आपको भावुक होने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने फलाने की मदद नहीं की, ऐसा कुछ नहीं। कई बार हमें ग्रहों के अनुरूप इस प्रकार के निर्णय भी लेने पड़ते हैं, और आज किसी का अच्छा करने के, किसी की मदद करने के बावजूद आपको हो सकता है कि बदनामी के जो शब्द हैं वो ही सुनने को मिले। साथियों, आज का तीसरा और जो अंतिम कमेंट है वो हम शामिल कर रहे हैं, और ये वंदना नागर जी ने लिखा है। वंदना नागर 124 इस आईडी से आया है। आपने लिखा है, मेरी भी कुंडली में मंगल दोष है,
मेरे भी तलाक तक की बात आ गई है, मैं तलाक नहीं देना चाहती हूँ, मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ, आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि मैं इस शादी को बचा सकूं। वंदना जी, आप और जितने भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, यदि मंगल दोष आपकी जन्म पत्रिका में है तो आप यहाँ पर हम एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, उस पर जाकर के सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है कि आप वो एपिसोड्स सारे देखिए, उसमें उपायों की भी चर्चा की गई है। जहाँ तक प्रश्न आपका है वंदना जी, तो आपको जो ये नियम बतलाया गया है काले कपड़ों को लेकर के, इस नियम का पालन जरूर करना चाहिए और शनिवार से प्रारंभ करके सुंदरकांड का पाठ आपको नित्य करना चाहिए और आप देखेंगे कि चमत्कारिक ढंग से केवल 21 दिनों के भीतर ही आपको जो दाम्पत्य जीवन में खटास है वो मिठास में तब्दील होती नजर आ जाएगी। तो साथियों, ये था राशिफल और अब हमारे महत्वपूर्ण चरण कुंडली एनालिसिस, कुंडली विश्लेषण के, उसमें चलते हैं और आज बारी है कर्क लग्न की। यदि आपका भी विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है तो एक कुंडली के माध्यम से जो बड़ा कारण होता है कर्क लग्न के जातक के लिए कि उसका विवाह सही समय पर नहीं हो पाता, कई बार 30-35 वर्ष की भी उसकी आयु हो जाती है, तो कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में सप्तमेश अर्थात विवाह के जो कारक हैं वो होते हैं शनिदेव, वो सप्तमेश और अष्टमेश हैं, इसलिए वो इस कुंडली में एक मारक स्थिति में है। यदि वो अपने से छठे आठवें या बारहवें जाकर के बैठ जाता है, सप्तमेश की बात कर रहे हैं, यदि इस कुंडली की बात करें तो यदि 12th हाउस, सेकंड हाउस या 6th हाउस यहां पर जाकर के बैठ जाता है तो पारिवारिक सुख में भी आपके कमी आती है, जिन लोगों को आपकी मदद करनी चाहिए वो ही आपके विरोध में आकर के खड़े हो जाते हैं, आंखों से संबंधित कोई ना कोई समस्या सदैव बनी रहती है, माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता आपको सदैव बनी रहती है, भाग्य उदय बहुत ज्यादा संघर्ष के बाद होता है और देखा गया है कि आमतौर पर विवाह के पश्चात ही वो हो पाता है, धन का संग्रह कितनी ही कोशिश करने के बावजूद भी व्यक्ति कर नहीं पाता है। अब बात उपाय की करते हैं, यदि यही कारण आपकी कुंडली में है या अपने घर के किसी व्यक्ति की कुंडली में है तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपने दोपहर के भोजन से पूर्व एक रोटी आप कुत्ते को समर्पित जरूर करें, निश्चित रूप से करें। ये छोटे छोटे से उपाय, ये मामूली से लगने वाले उपाय बहुत गहरी चोट करते हैं साथियों। तो साथियों, श्रृंखला जो है वो कर्क लग्न के बाद में जो अगला है वो कल जारी रहेगी और कल पुनः आपसे राशिफल और इस अगले लग्न को लेकर के चर्चा होगी। तो आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।